నూతన వ్యవసాయ చట్టాలను రాత్రికి రాత్రి తీసుకురాలేదని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. ఎన్నో ఏళ్ల తరబడి జరిగిన చర్చలకు ఫలితమే ప్రస్తుత వ్యవసాయ చట్టాలని తెలిపారు. 27 గా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో చర్చలు జరిగాయని స్పష్టం చేశారు. కొత్త వ్యవసాయ చట్టాలు కావాలని ఆర్థిక వ్యవసాయ నిపుణులు కూడా కోరారని గుర్తు చేశారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ. इसी कड़ी में देश के किसानों की उन मांगों को भी पूरा किया गया है जिन पर बरसों से सिर्फ और सिर्फ मंथन चल रहा था. बीते कई दिनों से देश में किसानों के लिए जो नए कानून बने, आजकल उसकी चर्चा बहुत है. ये कृषि सुधार, ये कानून रातों रात नहीं आए हैं. पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है. कम अधिक सभी संगठनों ने इन पर विमर्श किया है. देश के किसानों के संगठन, कृषि एक्सपर्ट्स, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, हमारे यहां के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं. देश के लोगों के सामने, मेरे किसान भाइयों बहनों के सामने आज मैं खुला करना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं. साथियों, किसानों की बातें करने वाले लोग आज, झूठे आंसू बहाने वाले लोग कितने निर्दयी हैं, इसका बहुत बड़ा सबूत है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट. स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई, लेकिन ये लोग स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को 8 साल तक दबाकर बैठे रहे. किसान आंदोलन करते थे, प्रदर्शन करते थे, लेकिन इन लोगों के पेट का पानी नहीं निहला. इन लोगों ने यह सुनिश्चित किया कि इनकी सरकार को किसान पर ज्यादा खर्च न करना पड़े, इसलिए इस रिपोर्ट को दबा दो. इनके लिए किसान देश की शान नहीं, इन्होंने अपनी राजनीति बढ़ाने के लिए किसान का समय समय पर इस्तेमाल किया है. जबकि किसानों के लिए संवेदनशील, किसानों के लिए समर्पित हमारी सरकार किसानों को अन्नदाता मानती है. देश के लोगों के सामने, मेरे किसान भाइयों बहनों के सामने आज मैं खुला करना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं. साथियों, किसानों की बातें करने वाले लोग आज, झूठे आंसू बहाने वाले लोग कितने निर्दयी हैं, इसका बहुत बड़ा सबूत है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट. स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई, लेकिन ये लोग स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को 8 साल तक दबाकर बैठे रहे. किसान आंदोलन करते थे, प्रदर्शन करते थे, लेकिन इन लोगों के पेट का पानी नहीं निहला. इन लोगों ने यह सुनिश्चित किया कि इनकी सरकार को किसान पर ज्यादा खर्च न करना पड़े, इसलिए इस रिपोर्ट को दबा दो. इनके लिए किसान देश की शान नहीं, इन्होंने अपनी राजनीति बढ़ाने के लिए किसान का समय समय पर इस्तेमाल किया है.
जबकि किसानों के लिए संवेदनशील, किसानों के लिए समर्पित हमारी सरकार किसानों को अन्नदाता मानती है। कांग्रेस सरकारों के द्वारा की गई कर्ज माफी, जब दो साल पहले मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले थे तो कर्ज माफी का वायदा किया गया था, कहा गया था कि सरकार बनने के 10 दिन के भीतर सारे किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ, सरकार बनने के बाद क्या क्या बहाने बताए गए, ये मध्य प्रदेश के किसान मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। राजस्थान के लाखों किसान भी आज तक कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। किसानों को इतना बड़ा धोखा देने वालों को जब मैं किसान हित की बात करते देखता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, ये कैसे लोग हैं? क्या राजनीति इस हद तक जाती है? क्या कोई इस हद तक छल कपट कैसे कर सकता है, और वो भी भोले भाले किसानों के नाम पर? किसानों को और कितना धोखा देंगे ये लोग? साथियों, हर चुनाव से पहले ये लोग कर्ज माफी की बात करते हैं, और कर्ज माफी कितनी होती है सारे किसान इससे कवर होते हैं क्या? जो छोटा किसान कभी बैंक का दरवाजा नहीं देखा है, जिसने कभी कर्ज नहीं लिया, उसके बारे में क्या कभी एक बार भी सोचा है इन लोगों ने? और नया पुराना हर अनुभव ये बताता है कि जितनी ये घोषणा करते हैं उतनी कर्ज माफी